हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हमने ज्वेलरी तो बना ली, बट हम उसको पैक कैसे करें, क्योंकि पैक करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि आप जैसे किस टाइप से आप पैक करते हो, उस पर डिपेंड है कि आपको रिव्यूज़ कैसे मिलेंगे। जैसे कि आप बहुत गंदे तरीके से ज्वेलरी पैक करके फिर कुरियर करोगे, तो बहुत ही जब कस्टमर उसको ओपन करेंगे तो बहुत ही गंदा दिखेगा। सो ट्राई कीजिए कि उसको बेस्ट टाइप से आप पैक करें और कुरियर करें। क्योंकि कुरियर वाले में क्या होता है कि कुरियर आप करते हो तो वो लोग ऐसा नहीं है कि धीरे से कुरियर रखेंगे, वो लोग फेंकते ही है कुरियर। तो अगर आपको ज्वेलरी हमारी डेलिकेट होती है, ठीक है, तो ज्वेलरी को बचाना है और अच्छे से प्रेजेंट करना है आपको कस्टमर के सामने, और आप एक सिटी से दूसरे सिटी आप कुरियर कर रहे हो, तो किस टाइप से हम लोग कुरियर पैक करते हैं और मैं किस टाइप से ज्वेलरी पैक करती थी और कुरियर करती थी, वो सब मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इस टाइप की बैग लेना स्टार्ट किया था। तो इसमें आपको अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से आप कुछ भी ऑर्डर करते हो तो इस टाइप की बैग में ही आपको मिलता है। तो इस टाइप के बैग में मैं क्या करती थी कि पहले यहाँ पे एड्रेस लिख देती थी मार्कर पेन से। यहाँ पे एड्रेस लिखना होता है कस्टमर का एंड फ्रॉम में अपना एड्रेस लिखना होता है। उसके बाद मैं क्या करती थी, इस टाइप की बैग लाती थी, इसको आप जिप बैग बोल सकते हो। और ये बैग आपको डिस्पोजेबल जितनी भी आइटम्स मिलती हैं वहाँ से आप लोकली परचेज कर सकते हो। तो मैं क्या करती थी, इस बैग में यहाँ पे ज्वेलरी डाल के फिर डायरेक्टली इस टाइप से मैं पैक कर देती थी। बट कभी कभी कंप्लेन आती थी कि इस टाइप से आप पैक करते हो तो टूट जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। सो उसके बाद मैंने यहाँ पे इस पर बबल रैप करके फिर मैं कुरियर करना मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने क्या किया कि मुझे लगा कि यार ये बैग इतनी सेफ़ नहीं है, तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया इस टाइप के बॉक्स लेना। तो ये प्लास्टिक के बॉक्स हैं जो लोकली आपको इजीली अवेलेबल होंगे, एंड ये मिलता है 30-40 रुपीस में, 12 पीस मिलते हैं, 12 बॉक्सेस मिलते हैं। तो मैंने क्या करना स्टार्ट किया कि मैं सिंपली इस टाइप का बॉक्स लेती थी, उसमें जो कॉटन आता है मतलब रुई जिसे बोलते हैं, ये इसके अंदर डालती थी, एंड इसके ऊपर मैं ज्वेलरी रख लेती थी लाइक दिस। और ये क्योंकि कस्टमर जब देखता है तो अच्छा भी दिखता है और उनको बॉक्स भी मिल जाता है अपनी ज्वेलरी रखने के लिए। फिर इस टाइप से पैक करके मैं इस टाइप की बैग में डाल देती थी एंड कुरियर कर देती थी। तो ये अच्छे से पहुंचता भी था और कस्टमर को भी अच्छा दिखता था, एंड इसके ऊपर भी मैं बबल रैप करती थी। फिर इसमें भी अलग अलग साइजेस आपको मिल जाती है, ये छोटी साइज़ का है और अब बहुत अलग अलग साइजेस हैं, आप देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा, आपको क्या होता है कि हमारी प्रोडक्ट जो महंगी होती है, ज्वेलरी डेलिकेट होती है, तो मैंने सोचा कि अभी मैं बॉक्स लेना स्टार्ट करती हूँ, तो मैंने इस टाइप के बॉक्स लेना स्टार्ट किया। ये 3-ply के बॉक्स हैं, मतलब इसमें भी अलग अलग क्वालिटी आती है, अलग अलग साइज़ आती है। ये बड़ी साइज़ का बॉक्स है, फिर इतना छोटा भी आता है। तो इसमें आपको क्या करना है कि सिंपली आपके पास जो न्यूज़पेपर हो तो इस टाइप से न्यूज़पेपर को दबा देना है, एंड यहाँ पे इस टाइप से हमें रख देना है। और हमारी जो प्रोडक्ट होती है ये इस तरह से सिंपली रख देनी होती है, और ऊपर से फिर से यहाँ पे आप जो न्यूज़पेपर है वो कवर कर सकते हो। इसके बाद इस टाइप से बॉक्स बंद कर देना है और सेलो टेप से आपको चिपका देना है, और यहाँ पे ऊपर एड्रेस लिख देना है, मतलब लगा देना है। एंड सिंपली ये बॉक्स जब जाएगा तो कस्टमर को भी अच्छा दिखेगा और इसमें कुछ भी डैमेज भी नहीं होगा, तो ये बेटर ऑप्शन रहेगा। तो ये मैंने लोकली लिया है, बट ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, ये फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, तो आप ले सकते हो डायरेक्टली। दैट्स इट, यही था आज का मेरा वीडियो। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।